बुरहानपुर जिले में लगातार जिला प्रशासन डायरिया के खिलाफ जंग लड़ रहा है। दरअसल बीते दिनों शहर के कुछ क्षेत्रों में डायरिया थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी के चलते एसडीएम पल्लवी पौराणिक और नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह चौहान ने मुख्य बाजार में चाइनीज आउटलेट, पानीपुरी, शरबत समेत अन्य खाद्य सामग्री का निरीक्षण किया और बासी खाद्य सामग्री दूषित पानी मिलने पर निगम अमले से नष्ट कराया। साथ ही कई विक्रेताओं पर स्पॉट फाइन लगाया और विकलांगों से शुद्ध पानी और ताजे सामग्री विक्रय करने की हिदायत दी गई। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर विषाक्त पानी से जो भी बीमारियां फैल रही है उसकी रोकथाम के लिए, उसके बचाव के लिए हम लोग फील्ड पर उतरे हैं। जहां जहां पर भी पानी जो आरओ का यूज नहीं हो रहा है, खुला पानी और गंदा पानी यूज हो रहा है, उसको बंद करने के, उसको फिकवाने के निर्देश दिए गए हैं। और नगर निगम को भी ये बताया जा रहा है कि प्रतिदिन इसकी चेकिंग करे और गंदे पानी से किसी भी तरह की कोई नुकसान या समस्या ना हो, इसकी प्रभावी रोकथाम के उपाय किए जाए। कि हमने कुछ दुकानें बंद भी करवाई है, अगर उनमें सुधार नहीं आता तो फिर आगे और कड़ी कार्रवाई भी करेंगे।